देखिए कितनी ब्यूटीफुल ब्लाउज सिलकर रेडी हो चुकी है, स्टिचिंग हो चुकी है। हम आपको दिखा रहे हैं कैसी ब्यूटीफुल ब्लाउज सिलकर रेडी हो गई है। सिंपल ब्लाउज है बट हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि इसमें जो है पीछे लटकन नहीं लगाया गया है, क्योंकि लटकन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मना कर दिया गया तो हमने नहीं लगाया। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। और इस ब्लाउज को कैसे सिला है हम आपको बताएंगे फटाफट से इस वीडियो में डिटेल से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका संजनी अमेजिंग ब्लॉग्स में स्वागत है और मैं हूँ संजनी झा। तो कैसे हैं आप सब, आई होप फिट एंड फाइन होंगे। तो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं बहुत ही यूज़फुल वीडियो। जैसे कि आपने कल की वीडियो देखा था, इसमें हमने आपको ब्लाउज की कटिंग करना सिखाया था और आज उसकी स्टिचिंग करना सिखाएंगे, क्योंकि कल की वीडियो बड़ी हो गई थी। तो आज हम आपके लिए स्टिचिंग की वीडियो अलग से लेकर के आए हैं। और यहाँ पर जो है अस्तर वाले ब्लाउज की स्टिचिंग हम आपको सिखाएंगे और बहुत सी बारीकियाँ बताएंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बहुत अच्छी बात बता दें कि ये जो अस्तर वाली ब्लाउज़ होती है, इसका जो है आपको पूरी तरह से स्टिचिंग करनी पड़ती है। देखिए जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं, इस तरह की स्टिचिंग करनी पड़ती है ताकि अस्तर कभी भी निकले ना। अस्तर तो वैसे भी नहीं निकलता, लेकिन जो साड़ी का जो कपड़ा होता है ये बहुत ही, जैसे कि हमने बताया था कटिंग करने वक्त, की फिसलता है, निकलता है। देखिए हमने स्टिचिंग जो आप कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए कपड़े का रेसे निकल रहे हैं जो कटिंग किया, तो कट हुए मतलब निकलने लगते हैं धागे धागे। तो इसलिए चारों तरफ से जो है इसकी स्टिचिंग करनी पड़ती है। और ये अस्तिन में हम लगा रहे हैं, फटाफट से हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर हम पूरी स्टिचिंग दिखाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और अभी सिर्फ सारे में जो है टाके मारेंगे, हम बताएंगे हम टाका कैसे मारते हैं और टाका से सिलाई पे कैसे लाते हैं। तो टाके मार रहे हैं और फटाफट से इस तरह से कर लेंगे सभी को हम अस्तर, और जो साड़ी का कपड़ा है, ब्लाउज का कपड़ा है, उसे हम स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने जो है इतनी सारी जो कट की थी पूरी कट कर ली है एक साथ कट करते वक्त। अब सबको हमको फटाफट से स्टिच करना है, एक भी छूटे नहीं। तो ये देखिए लगभग लगभग हो चुकी है। और इसके बीच में हम जो है छोटी छोटी बारीकियाँ भी बताएंगे सिलाई करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें जो होती है छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरह से स्टिचिंग हो चुकी है, लगभग लगभग पूरी हो गई है। देखिए हर चीज़ सिलाई हो चुकी है। और आगे हम आपको बताते हैं अब आपको क्या करना है। और ये जो अस्तर से ऊपर कपड़े दिख रहे हैं, ये जो हमने थोड़े से बड़े काटे थे, इसे हम नहीं कट करेंगे जब तक हमारी पूरी स्टिचिंग नहीं हो जाती, तब तक कट नहीं करेंगे, नहीं तो वो फिर फिसल फिसल के निकल जाएगी। ये देखिए ये हमने टाका मारा था तो 5 पे पहुँचाया था कांटे को, और अब इसी तरह से कांटे को हम यहाँ से नीचे ऊपर कर सकते हैं। जब टाका मारना हो तो 5 पे लगाते हैं, हम लगाते हैं, आपको जितने पे रखना है रख सकते हो। और स्टिचिंग करनी है तो हम 3 पे करेंगे, क्योंकि अगर 1 पे करते हैं, 2 पे करते हैं तो बहुत बारीक सिलाई आ जाएगी, तो फिर अगर मान लीजिए गलत हो गया तो आपको खुलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह की टाके की सिलाई है और इस तरह की बारीक वाली सिलाई है। अब हम फाइनल सिलाई इस पर करने जा रहे हैं, स्टिचिंग कर रहे हैं तो बारीक वाली करेंगे ताकि मजबूती रहे। ये टाके कर दिए ताकि उधड़े नहीं, क्योंकि अगर ज़रूरी नहीं है ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन हमने खुद पहना था एक ब्लाउज जिसमें कि इस तरह से अस्तर नहीं स्टिच हुआ था, सिर्फ कोने कोने में सिलाई कर लिया था, क्योंकि जिनको सिलना आता है उनको ऐसा सिलने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जब आप साड़ी की ब्लाउज पहनते हैं तो आपने अस्तर को अगर इस तरह से स्टिच नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। और ये देखिए हमने जो है सिलाई कर ली है, इस तरह की चोली हमारी कट हो गई, हमने आपको जो बताया है दिखाया। देखिए इस तरह से आएगी, अगर इस तरह की आती है तो समझिए फिटिंग आ जाएगी, और अगर आपकी इस तरह से कटोरी नहीं बनती है तो थोड़ी दिक्कत जाएगी। तो आप सिलते वक्त भी देख सकते हैं कि क्या है, क्योंकि कटिंग तो नाप के अकॉर्डिंग ही होती है। तो इस तरह से सिलाई होती है, देखिए सिल चुकी है, और इस तरह से नाप के हिसाब से होती है। जो भी ब्लाउज का आपका नाप है उसके हिसाब से आप कटिंग और सिलाई करते हैं। सिलाई करते वक्त भी आपको ब्लाउज चाहिए उसके नाप के हिसाब से ही सिलाई करेंगे आप, और कटिंग करते वक्त भी नाप चाहिए तो नाप से ही होगा। जो बहुत बड़े टेलर हो जाते हैं तो उनको नाप की ज़रूरत नहीं है, वो हाथ से भी कर लेते हैं, देखकर भी कर लेते हैं। पर अगर आप सीख रहे हैं, आप शुरुआती टाइम पर हैं, तो फिर आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस तरह से ब्लाउज का नाप। देखिए इस तरह से नाप सकते हो आप, कितना आपको सिलाई करना है, कितना रखना है, देखिए ऐसे करके नाप सकते हो। जो भी ब्लाउज है नाप का तो आप देख सकते हो कि बराबर हुआ या नहीं, तो इसके हिसाब से बटन पट्टी के लिए जगह है तो इस तरह से छूटेगी।
आप इस तरह से नाप सकते हो, तो एकदम फिटिंग जो है बराबर आएगी आपको। सिलने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, कस्टमर के लिए सिल रहे हैं तो कोई शिकायत नहीं आएगी। और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है, देखिए ये आस्तीन की सिलाई है कंधे की, तो कंधे की जो सिलाई है तो हमें जो है गले की तरफ जो है थोड़ा ज़्यादा सिलाई करनी है और कंधे की तरफ थोड़ा सा कम, इसका ध्यान रखिएगा। एक सिलाई तो आप सीधे कर दीजिए और दूसरी सिलाई में थोड़ा सा गले की तरफ आपको ज़्यादा सिलाई करनी है ताकि गला जो है फिटिंग आ जाए, गला बैठे। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये देखिए किनारे में हम कम लगाएंगे और ज़्यादा हम नीचे ला के लगाएंगे। और ये देखिए हमने जो है सब कुछ सिलाई कर ली है, अस्तर पूरी आस्तीन जोड़ ली, सब कुछ जुड़ चुका है। अब इसको जो है सिर्फ फिटिंग करनी है और पाइपिंग लगानी बाकी है इस ब्लाउज में। और पूरी सिलाई हमने नहीं दिखाई है, इसमें भी काफ़ी बड़ी हो रही थी वीडियो, एक एक अगर बारीकी से दिखा दें, डिटेल से दिखा दें तो काफ़ी लंबी है, फिर 15-20 मिनट की वीडियो बन जाती, तो इसलिए हमने इसे स्किप किया है, हल्का फुल्का दिखाया है और सब ज़रूरी चीज़ें बताने की कोशिश की है। ये देखिए इस तरह से पूरा स्टिच हो चुका है और पीछे का तो डिज़ाइन इसमें पूरा वर्क है, तो हमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है इस पर। और आप गला जो है अपनी मर्ज़ी से बड़ा और छोटा कर सकते हो। ये देखिए पूरी स्टिचिंग हो चुकी है, पूरी हमने सिलाई कर ली है। और ये देखिए बटन पट्टी है, डबल स्टिच किया गया है इसमें, क्योंकि इसमें हुक लगेगा या बटन लगेगा जो भी लगेगा, तो अभी इस तरह के जो धागे हैं इसे कट करना पड़ता है। तो पूरी जब सिलाई हो जाती है तो पूरी तरह से जहाँ जहाँ धागे छूटे हुए हैं उसे कट करना पड़ेगा, तब अच्छी सिलाई नज़र आती है। और ये आस्तीन लग चुका है, तो छोटी वाली आस्तीन थी जैसे कि हम कट करते वक्त ही बता रहे थे, तो ये पूरी स्टिचिंग हो चुकी है टोटल। और इसमें बच गई है अब हमको जो है इसमें हुक बटन लगानी है। और ये देखिए अंदर की सिलाई हम दिखा रहे हैं, इस तरह से जो धागे हैं ज़्यादा वाले एक्स्ट्रा वाले उसे कट कर लेने की ज़रूरत है। और ये देखिए इतने कपड़े हमने एक्स्ट्रा रखे हैं इसमें, ताकि कभी भी मोटे पतले अगर हों तो यहाँ से सिलाई खोल के, और इसके अंदर सिलाई अभी दो दिख रही है पर हम इसमें अभी 4-5 सिलाई चला देंगे, तो 3 सिलाई तो होनी ही चाहिए। और ये देखिए कलर जो है पीछे पाइपिंग हो चुका है और गला की जो है हमने ज़्यादा लंबाई नहीं रखी है। अगर आप डीप गला पहनना पसंद करते हैं, डीप गला का ऑर्डर है, तो फिर डीप गला ही बनाइए आप, यहाँ पर नॉर्मल गला है, डीप गला नहीं है ये। और इसका आप कट कर सकते हैं जितना चाहें। और हमारी ब्लाउज़ बनकर जो है रेडी हो चुकी है, और हम इसमें जो है काज अभी नहीं दिखा रहे हैं, बस ब्लाउज सिलकर रेडी हो गई, देख सकते हो लुक। और पीछे का गला देख सकते हो इतना है, इसे आप चाहें तो आप अपना जो है जितने का ऑर्डर हो। आगे का गला देखिए हमने बड़ा किया है, पीछे का गला छोटा नहीं किया है, फिर भी इतना बड़ा है। और अगर आप और डीप गला चाहें तो इतना रख सकते हो, इतना को कट कर सकते हो, तो ये बीच से इस तरह से यहाँ से ऐसे कट जाएगा, यहाँ से ऐसे लेकर के कट जाएगा, तो गोल गले में भी इतना दूर का कट जाएगा, तब आप डीप गला बना सकते हो। ये डीप गला ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल गला बना हुआ है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप फटाफट से देख पाएँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा, साथ में यूज़फुल है कि नहीं है आप ज़रूर बताइएगा। हमने कोशिश किया है जो हमें आती है हम आपके साथ शेयर करें, ऐसे तो हम शेयर करते रहते हैं पर ये जो है हम स्टिचिंग का वर्क करते हैं तो आपके साथ शेयर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।